चीटिया यहाँ क्यों आ गई? बेचारी भूखी है, खाना ढूंढ रही है, कुछ दे दो ना खाने को। मेरे घर आई है तो इन्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। क्या हो गया, ये रॉकेट की तरह क्यों उड़ रहे हो? एक तो इनके लिए खाना ढूंढो, ऊपर से ये मुझे काट भी रही है। भूखी है बेचारी। एक समोसा अपने लिए बचा के रखा था, वही इन्हें दे देता हूँ। समोसा है, खा तो लो। तुम सोचते हो मोटू पतलू जिंगूरा से हमें बचा सकते हैं? जी हाँ महारानी, वो दोनों बहुत नेक दिल हैं और सबकी मदद करते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी दुनिया में एक इंसान कैसे आ सकता है? मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे पी के अगर मैं मोटू पतलू को काटूं, तो वो हमारे जैसे छोटे बन जाएंगे। जिंगूरा से बचने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर एंस, जाओ और मोटू पतलू को लेकर आओ। शायद यही घर होगा। अब पतलू पतलू उठो, देखो ये हम कहाँ आ गए। अरे हम तो घर में सोए थे, ये कहाँ आ गए? छनपुटिया। इतनी बड़ी बड़ी चीटियाँ कहाँ से आ गई? ये तो हमारे साइज की है। चीटियाँ बड़ी नहीं हो गई, हम छोटे हो गए हैं। शायद कोई सपना होगा, सो जाओ। अरे ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। हम तुम्हें छोटा करके लाए। अरे हम चीटी बन गए। अब क्या होगा हमारा? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हम बताते हैं, हम एंस लैंड की रानी हैं। एक बड़ा ही खतरनाक कीड़ा जिंगूरा हमारे प्रजा को मार मार के खा जाता है। हमें आपकी मदद चाहिए। अगर हमने मदद नहीं की तो हम तुम्हें वापस बड़ा नहीं करेंगे और फिर जिंगूरा तुम्हें भी खा जाएगा। हम तैयार हैं, हमें प्लानिंग का मौका दो। पतलू तुम्हें तो पता है कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। जल्दी से कुछ आइडिया सोचो। आइडिया? चलो भाग चलते हैं। तुम दोनों ऐसे भाग नहीं सकते। भाग नहीं रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। किसी भी लड़ाई से पहले अपने शरीर को फिट रखना जरूरी है। भागो! पतलू, ऑल द बेस्ट।
ओ डॉक्टर एंड्स, तुम नहीं भागे? हमको भगा सके ये जमाने में दम नहीं। मोटू पतलू है हमारे साथ, अब हम भी किसी से कम नहीं। ये मोटू पतलू कौन है? जाओ खुद मिल लो उनसे। उस झाड़ी के पीछे बैठ के तुम्हें ऊपर भेजने का प्लान बना रहे हैं। अरे भाग पतलू भाग, ऊपर झटका नीचे ये, सब डॉक्टर हमारे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? मोटू पतलू कहाँ हो? सिंगूरा को चैलेंज, सामने तो आओ। चलो वहाँ चीटियों के घरों में छुप जाते हैं, उनमें ये जिंगूरा आ नहीं पाएगा। कहाँ छुप के बैठे हो मोटू पतलू? पकड़ लिया। ऊपर वाले बचाओ, बचाओ। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। ये कहाँ फंस गए हम? मोटू पतलू मैं आ रहा हूँ। थैंक यू बड़े भैया। कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में आके। मोटू जल्दी कुछ करो, वरना एक तरफ झिंगूरा है, दूसरी तरफ ये मकड़ी। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? आइडिया, हमें भी पंख दे दो, फिर हम भागेंगे नहीं, उड़ते हुए उसे खत्म कर देंगे। तुम जैसा चाहो। दोनों उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, पंख आने वाले हैं। सिंगूरा मेरी तरफ आ रहा है, फिर मिलता हूँ। जाओ, हमारी पीठ में पंख निकल आए हैं। अरे जल्दी से उड़ चलो, ये मकड़ी बहुत ज्यादा भूखी लग रही है। ये उड़ाते कैसे हैं? आओ मेरे पास आ जाओ, तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। हे ऊपर वाले बचाओ, कभी तो नीचे आओ। अरे 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 अरे, ये तो टेढ़ा उड़ रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे फिर उल्टा हो गया। ये उड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि राइट लेफ्ट कैसे करे। तुमको जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ सोचो, बस पंख अपने आप उस तरफ चलने लगेंगे। ये तुम्हारी सोच का हिस्सा होना चाहिए। अब सोचो हमें सीधा उड़ना है। नहीं छोड़ूंगा। वो देख जंगल, चलो वहाँ जाके छुप जाते हैं। अरे सीधा सीधा, उल्टा नहीं, सीधा सोचो, क्या कर रहे हो? मोटू पतलू तो उड़ने में एक्सपर्ट हो गए हैं। शिकार खुद ही एक शिकारी के पास आ रहा है। बचाओ!
कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया, वो अकेली है, हम तो तेजी से उड़ो, उसे अपने साथ ले चलो। बचाओ, ओए बचाओ। मोटू पतलू पतलू, तुमने हमारी बहुत मदद की है और तुम्हारे लड़ने का तरीका एकदम अलग है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। डॉक्टर एंस, इन्हें वापस बड़ा कर दीजिए। जो आज्ञा महारानी। जिंगूरा से लड़ते लड़ते तो भूख बहुत बढ़ गई। चलो फिर सारे समोसे खाते हैं। क्या आप ही वो वीर बहादुर मोटू पतलू हैं जिन्होंने जिंगूरा को मारा? हाँ हाँ, हम ही वो वीर बहादुर हैं। वाह, हमारी बहादुरी के किस्से तो फैलते ही जा रहे हैं। इन लोगों ने जिंगूरा को खत्म किया है, इन्हें छोड़ना मत, मारो।